नमस्कार, विश्व दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी बोले, यूपी और बिहार को मिलता जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा। संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी और राष्ट्रीय मुआवजा वनीकरण कोष संबंधित विधेयकों के पारित नहीं होने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यदि जीएसटी विधेयक पारित हो जाता तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता। मोदी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यों को दिए जाने वाले विदाई भाषण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विदा होने वाले सदस्यों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में योगदान दिया जो राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संवैधानिक है मानहानि कानून, केजरीवाल, राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिकाएं खारिज। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए इस दंडात्मक कानून की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह धाराएं पूरी तरह सही हैं, इन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मानहानि कानून की धाराओं को चुनौती देने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिकाएं खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि न्यायालय ने इसके साथ यह भी कहा कि देश भर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी मानहानि की शिकायतों पर समन जारी करते समय अत्यंत सावधानी बरती जाए। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का सड़क दुर्घटना में निधन। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में शुक्रवार को निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट किया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की मॉन्ट्रियल में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके निधन की खबर बहुत दुखद है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी बाबा हरदेव सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चीन का जर्मन सांसद को वीजा देने से इनकार। जर्मनी में मानवाधिकार पैनल की अध्यक्षता करने वाले देश के सांसद माइकल ब्रैंड की तिब्बत की आजादी के समर्थन में टिप्पणी के लिए चीन ने उन्हें यह कहकर वीजा देने से इनकार कर दिया कि उनका बयान जर्मनी की वन चाइना नीति के खिलाफ है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। ब्रैंड को वीजा नहीं देने के फैसले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने बताया कि जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेसटाग की मानवाधिकारों एवं मानवीय सहायता समिति के अध्यक्ष माइकल ब्रैंड का चीन में स्वागत नहीं हो रहा। F-16 विमान पर पाकिस्तान और अमेरिकी संबंधों में खटास। पाकिस्तान को 8 F-16 विमानों की बिक्री को कांग्रेस द्वारा रोके जाने के फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते अमेरिका के साथ पाक के संबंधों पर असर पड़ा है। विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने यह बात कही है। सीनेट के समक्ष अजीज ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि F-16 को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध पिछले 3 महीनों में दबाव में रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष इसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। F-16 विमानों की बिक्री पर प्रस्तावित सब्सिडी को वापस लेने के अमेरिकी फैसले पर बहस के दौरान गुरुवार को अजीज ने कहा कि पिछले 3 महीनों में ऊपर की ओर बढ़ रहे रिश्तों में गिरावट का दौर देखा गया है, जो कि 8 F-16 विमानों की आंशिक फंडिंग को रोकने के अमेरिकी कांग्रेस के फैसले में झलकता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।